नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आपके लिए एक और जो है नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो सेकंड ईयर की जो टॉपिक है हमारा स्क्रू थ्रेड, तो उसी के ऊपर आज का जो हमारा वीडियो रहेगा। तो साथियों आपसे यही अपील है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो साथियों अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ना भूलें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। और रेगुलर अपडेट जो हमारी डेली का जो है आपका सेकंड ईयर का टॉपिक है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी आपने देखी होगी कि मेरी पिछली जो वीडियो थी स्केल के ऊपर पैमाने, जिसमें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल की जो है वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप भी जो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो है रेगुलर आपको चैप्टर वाइज जो है टॉपिक पर आपको वीडियो मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। और आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते जो है पूरे भारत में जो है 21 दिन का लॉकआउट किया गया है। तो आप जो इस वक्त घर बैठ के अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जब ये सारा सिस्टम कोरोना वायरस का ख़त्म होगा तो उसके कुछ ही दिन बाद आपके जो है एग्ज़ाम हो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास फिर कम समय बचेगा, तो आपके लिए एक बेहतर समय है जिसमें आप और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। और आप और अपना परिवार का ध्यान रखिएगा, और जितना भी टाइम निकल सके तो आप हमारे चैनल पर वीडियो को देखकर अपनी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की तैयारी करती रहेगा। तो चलिए साथियों जो आज का टॉपिक है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड। तो साथियों स्क्रू जो थ्रेड है इसके चैप्टर के अंदर से कम 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको इस चैप्टर के बारे में जो मेन मेन टॉपिक हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये जो है स्क्रू थ्रेड का नॉमन क्लेचर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म है जो थ्रेड की होती हैं। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो थ्रेड का ये ऊपरी हिस्सा होता है, जो ये वी थ्रेड शेप की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो जो ये वी शेप बनी हुई है ये दिख रही होगी आपको ऐसे, तो वी शेप में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं। और आपको पता ही होगा कि चूड़ियों का काम क्या है, हर मशीनरी के अंदर जो है फास्टनर के एसआई रूप से जोड़ने के लिए काम करते हैं नट बोल्ट के अंदर। तो ये क्या है, एक तरह का अस्थाई जो है फास्टनर है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो पॉइंट आता है ये आपको ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, और जो इसका नीचे वाला गहराई वाला हिस्सा होगा इसको हम रूट बोलते हैं। नंबर एक आपका ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट होगा और नीचे वाला हिस्सा आपका रूट रहेगा। उसके बाद जो ये टेपर शेप रहती है इसकी वी शेप में, चाहे ये वाली साइड ले लीजिए चाहे ये आप ये वाली साइड ले सकते हैं, तो दोनों जो साइडें होती हैं इनको हम फ्लैंक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है जो ये है गहराई, ये जितना गहरा डीप होगी वी ब्लॉक उसको हम इसकी चूड़ियों की गहराई बोलते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद इस थ्रेड के अंदर भी जो ये वी शेप दिखाई गई है इसके अंदर एक प्रॉपर आपका जो है एक एंगल बनेगा, तो उसको हम यहाँ बोलेंगे थ्रेड एंगल। जो ये डायग्राम है इस साइड लेफ्ट साइड में ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड है, और ये आपका जो है राइट साइड में इंटरनल थ्रेड दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे ये पिच, तो पिच क्या होती है, दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे पिच। तो ये ऊपर वाली क्रिस्ट होगी इसकी और ये नेक्स्ट जो होगी क्रिस्ट, तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे पिच। या जब हम जो है बोल्ट को एक टर्न देते हैं तो वो एक पिच क्या होगी आपकी रोटेट होगी। उसके बाद ये आपके तीन डायमीटर आएंगे, सबसे पहला जो आउटर डायमीटर होगा वो मेजर होगा, उसके बाद जो पिच जो है हमारा पिच डायमीटर है रहेगा आपका, और बिल्कुल अंदर वाला जो है रूट का वो आपका रहेगा माइनर डाया, मतलब जो क्रिस्ट का होगा क्रिस्ट का इधर से और इधर से वो आपका मेजर होगा, और रूट वाला आपका माइनर रहेगा, और इन दोनों के जो बीच में आएगा वो आपका पिच डायमीटर रहेगा।
तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई इंटरनल थ्रेड के अंदर। तो ये कुछ जो टर्म थी स्क्रू थ्रेड के अंदर, जो आपको नॉलेज के अंदर पता होना चाहिए भी क्रिस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है, प्लैंक क्या होता है, गहराई क्या होती है पिच की, एंगल क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब जो है थ्रेड के टाइप्स है, ये आपको पता होना चाहिए और लगभग जो एग्ज़ाम में है वो इन्हीं में से ही आता है, जो अब मैं यहाँ वन बाय वन बताऊंगा आपको, कि आपको एग्ज़ाम में लिखा आएगा कि BSW थ्रेड बनाएं, तो आपको इस तरह से ये बना के दिखानी है वहाँ पर। तो BSW आपकी वी शेप थ्रेड रहेगी, और इसके अंदर आपको कौन का सबसे स्पेशल ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है 55 डिग्री का कोण होता है, और वही मैंने यहाँ पर पिच आपको बताई थी कि दो क्रिस्ट के बीच की दूरी आपकी पिच रहेगी, और इसके अंदर ये दो हाइट रहेगी, एक तो आपका मैंने बताया था कि मेजर डायमीटर है, एक नॉमिनल आपका माइनर डायमीटर रहेगा, ठीक है। ये आपकी रेडियस रहेगी जो यहाँ से ये दिखाई गई है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो सेम इसी तरह से आपने एग्ज़ाम में बना के आना है। इसको बोलते हैं BSW थ्रेड, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड बोलते हैं इसको। तो नंबर एक ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं आपका BA थ्रेड, जिसको ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड बोलते हैं। ये भी सेम बी टाइप की थ्रेड है, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इसके अंदर क्या है यहाँ एंगल चेंज होगा। तो इसमें एंगल हमारा 47.5 रहेगा, जबकि जो पिछली थी BSW में हमारा 55 डिग्री था। तो ये एंगल का खास ध्यान रखना, सभी में एंगल का फ़र्क रहेगा, बाकी जो है डायग्राम जब बनाएंगे वो सेम रहेगा आपका, सिर्फ कोण का आपका यहाँ पर चेंज करना है। तो ये आपकी सेकंड टाइप हो गया BSBA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। नेक्स्ट हमारी रहेगी जो है ये मैट्रिक जो है थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका इसके अंदर आपका जो कोण रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा आपका, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है कर्व नहीं रहेगी, ये बिल्कुल वी शेप के अंदर रहती है मैट्रिक जो थ्रेड होती है आपकी। तो इसके अंदर आपने जो है पिच का जो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये एक्सटर्नल थ्रेड दिखाई गई है मैट्रिक के अंदर आपको, तो आपने जो है इसका कोण बिल्कुल ध्यान रखना है 60 डिग्री का होता है, और बाकी जो नमन क्लेचर है वो बिल्कुल एज इट इज सेम ही है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड, जिसके अंदर 90 डिग्री का जो है कोण यूज़ करते हैं हम। तो स्क्वायर थ्रेड का नाम आपको पता ही चल गया होगा कि इसका जो आकार भी है आपका वर्गाकार रहेगा, स्क्वायर का रहेगा, और इसके जो है फ्लैंक है अक्ष के परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा, 90 डिग्री पर चलते हैं, और इसकी भी जो सेम है स्टार्टिंग पॉइंट से जो क्रेस्ट है इसके वो आपकी पिच रहेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो स्क्वायर का नाम से ही जैसे ज्ञात हो रहा है कि हमें स्क्वायर इसकी शेप रहेगी, तो इस तरह से आपने ये अगर एग्ज़ाम में आती स्क्वायर थ्रेड का निर्माण करे तो आपने इस तरह से वहाँ बना कर आनी है। नेक्स्ट हमारी होती है बटरस जो है थ्रेड। तो बटरस थ्रेड का जो एक फ्लक्स है वो 90 डिग्री पर रहेगा, जैसे कि एक यहाँ आपको दिख रहा है 90 डिग्री पर, और सेकंड आपका जो रहेगा झुकाव 45 की तरफ, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है ये 90 के ऊपर है, जैसे कि ये लाइन दिख रही होगी आपको, एक कोण तो 90 पर है, दूसरा आपका 45 पर रहेगा। तो इस तरह की जो शेप होगी वो आपकी बटरस के अंदर होती है, और इसका जो बटरस जो थ्रेड है इसका जो मोस्टली जो उपयोग है आपका पावर प्रेस में, कारपेंटर वाइस के अंदर, रचेट के अंदर किया जाता है, और इस प्रकार की मशीनों में प्रयोग के समय जो चूड़ी है एक फ्लैंक का फ्लैंक पर जो है काफ़ी जो है प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसको स्पेशल जो है ये तैयार किया गया है बटरस थ्रेड को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए कि एक जो फ्लैंक है उसका 90 पर है, दूसरा ये 45 पर जाएगा, तो ये शेप आपने ध्यान रखनी है बटरस की। उसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा टाइप है एक्मे थ्रेड। तो एक्मे जो थ्रेड है वो वर्गाकार जो थ्रेड का सुधारा हुआ रूप है, इसके अंदर जो है 29 डिग्री का जो है कोण रख होता है, और ये जो थ्रेड है मशीन काफ़ी इसकी जो मशीनिंग काफ़ी आसान होती है, और इसका प्रयोग जो है लेथ के लीड स्क्रू में किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके आकार के कारण जो है इन्हें हाफ नट से एंगेज करना काफ़ी आसान रहता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसका जो कोण है वो
29 डिग्री रहेगा। और तो ये कौन स्पेशली आपने ध्यान रखना है, बाकी जो डायमेंशन है अगर वो थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाएगी चल जाएगी, लेकिन इसकी जो कौन की जो मेजरिंग है वो आपने एक्यूरेट लिख के आनी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये एक्मे जो थ्रेड है मैंने बताया कि आपका जो है लेथ की लीड स्क्रू में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपकी आती है नकल थ्रेड, जो हमारा लास्ट टाइप है इसके अंदर। तो नकल थ्रेड क्या है, अर्ध गोलाकार आकार की थ्रेड होती है ये, और रूट और जो क्रेस्ट है इनके गोलाकार ही होते हैं, जैसे कि देख रहे होंगे आपके ऊपर से भी गोल है और नीचे से भी, रूट और क्रेस्ट दोनों इसके क्या हैं, गोलाकार हैं। तो गोलाकार होने के कारण क्या है, इसकी जो है क्षतिग्रस्त होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि जो अदर जो टाइप बताई है मैंने कि वी शेप है जैसे, तो वो क्रेस्ट जो है झट जाती है अगर लोड वगैरह पड़ता है तो, लेकिन इसमें बहुत ना के बराबर चांस होते हैं इसके। और इसका जो नकल थ्रेड का योग है प्रयोग है जो वाल्व के स्पिंडल में, रेलवे कैरेज कपलिंग के अंदर और होज कनेक्शन आदि में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये आपका जो इसका प्रयोग है वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर यूज होते हैं, कि जो वाल्व स्पिंडल है, जो रेलवे कैरेज की कपलिंग होती है, और होज जो पाइपिंग कनेक्शन के अंदर है उसका अंदर जो है इससे जो है थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको थ्रेड के जो टाइप बताए हैं, BSW थ्रेड, BA थ्रेड, आपकी मैट्रिक होगी, आपकी स्क्वायर है, आपकी बटरस है, आपकी एक्मे थ्रेड और नकल थ्रेड, तो इनको आपने अच्छे से जो है स्टडी करना है। इनमें से 5 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, तो इनमें से कोई भी आपकी जो है थ्रेड बनानी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही लेटेस्ट जो अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई टॉपिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं और वीडियो के अंदर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो 100% मैं पूरी जो है दूर करने की कोशिश करूँगा, और जो आपको डेली जो है आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कोई ना कोई जो टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो जो है अवेलेबल कराता रहूँगा। और आप सभी से यही गुजारिश है कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें जितने भी आपके साथी हैं ITs के, तो उन सभी को जो है चैनल पर सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि उनको भी जो है ड्राइंग की जो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो धन्यवाद साथियों।